हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए जेब्रोनिक्स के बहुत ही पोर्टेबल एंड बेस्ट पार्टी स्पीकर की अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है जेब्रोनिक्स जेब वाइब, इसका मॉडल नंबर। एंड आज दोस्तों हम इसको पूरा अनबॉक्स करेंगे, आपको इसके डिजाइन को काफी डिटेल में दिखाने वाले हैं, साथ में दोस्तों हम फीचर्स के बारे में डिटेल पे बात करेंगे एंड हम आपको इसका दोस्तों ऑडियो भी टेस्ट करवाने वाले हैं। बाकी दोस्तों आपको ये कितने में पड़ेगा एंड आप इसे कैसे परचेज करेंगे, वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा, आपको हम सारी डिटेल्स दे देंगे, मतलब आपको ये मॉडल काफी बेस्ट प्राइस पे मिल जाएगा। सो वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बॉक्स को ओपन करें। दोस्तों हम बॉक्स को ओपन करने से पहले आपको थोड़ा सा बॉक्स को भी डिटेल में दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें मॉडल नंबर मेंशन करा हुआ मिल जाता है, जेब्रोनिक्स जेब वाइप। एंड यहाँ पे देखिए ऋतिक रोशन की फोटो भी बनी हुई हमें मिल जाती है। अगर हम दोस्तों बॉक्स के इस साइड पर देखें तो इस साइड पर यहाँ पर देखिए हमें RMS वैल्यू मिल जाती है, आउटपुट 60 वॉट का है दोस्तों। एंड दोस्तों इस पर हम USB एंड माइक्रो SD कार्ड 32 GB तक का सपोर्ट कर सकते हैं। एंड ये प्रोडक्ट के डायमेंशंस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, वैसे हम आगे अभी आपको मेजरमेंट करके पूरा दिखाएंगे। एंड दोस्तों जो इसका नेट वेट है वो 6.4 kg का है। नीचे से देखिए हमें मॉडल का जो डिजाइन है वो बना हुआ मिल जाता है। दोस्तों इस साइड पर भी देखिए हमें फीचर्स के बारे में मेंशन करा हुआ मिल जाता है, जैसे कि इस पर हमें USB माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, FM रेडियो का सपोर्ट मिलता है, ऑक्स का सपोर्ट मिलता है, रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, LED डिस्प्ले भी मिल जाता है, बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी मिलती है। एंड दोस्तों इस पर हमें LED पार्टी लाइट्स भी मिलती है, मतलब कि हम उसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए स्विच मिलता है, रिकॉर्डिंग का भी फंक्शन हमें इस पर मिल जाता है। दोस्तों बॉक्स के अंदर देखिए हमें वायरलेस माइक भी मिल जाता है। एंड नीचे से देखिए थोड़े फीचर्स के बारे में और मेंशन करा हुआ हमें मिल जाता है, जैसे कि दोस्तों इस पर हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, वायरलेस माइक मिल जाता है, डुअल फुल रेंज के ड्राइवर्स मिलते हैं 20.32 cm के, 7.5 आवर्स का प्लेबैक हमें मिल जाता है यानी कि प्ले टाइम जो कि काफी ज्यादा है, मोबाइल होल्डर मिलता है, कैरियोके फंक्शन मिलता है, LED लाइट्स मिलती है, साथ में दोस्तों इस पर हमें TWS का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं एंड आपको हर एक चीज को डिटेल पे दिखाते हैं। तो दोस्तों बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। देखिए सबसे पहले हमें पावर कॉर्ड इस पर मिल जाती है, इससे हम स्पीकर को चार्ज भी कर पाएंगे एंड पावर के थ्रू भी बजा पाएंगे। दोस्तों हमें ऑक्स केबल भी मिल जाती है। दोस्तों हमें इस पर स्कैन वाला यूजर मैनुअल मिल जाता है, यानी कि हम इस कोड को स्कैन करेंगे एंड इसके बारे में सारे फीचर्स के बारे में जान पाएंगे। हमें वायरलेस माइक भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो ये चीज़ दोस्तों बहुत बढ़िया है, मतलब जेब्रोनिक्स का चाहे छोटा मॉडल हो, बड़ा मॉडल हो, कम प्राइस वाला भी हो, वायरलेस माइक हमें बॉक्स के अंदर मिल जाता है। एंड क्वालिटी भी देखिए माइक की हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। यहाँ पर देखिए हमें ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है एंड नीचे से देखिए जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग हमें मिल जाती है एंड हमें रिमोट कंट्रोल भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। देखिए रिमोट कंट्रोल का भी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया हमें मिल रहा है, काफ़ी छोटू सा रिमोट हमें इस पर मिल रहा है। देखिए हमें म्यूट का बटन मिल जाता है, मोड का बटन मिल जाता है, रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाता है, साथ में रिकॉर्ड एंड प्ले का भी बटन हमें मिल जाता है, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए बटन्स मिलते हैं, प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट के भी बटन हमें मिल जाते हैं, रिपीट का बटन मिल जाता है, साथ में इक्वलाइजर का बटन भी मिल जाता है। एंड नीचे से देखिए जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग भी हमें इस पर मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब अपने स्पीकर को भी अनरैप करते हैं एंड आपको डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने स्पीकर को अनरैप कर दिया है एंड दोस्तों यार इसका भी डिज़ाइन हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, मतलब क्वालिटी वाइज यहाँ पर आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके टॉप पैनल को डिटेल पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एक हैंडल मिल जाता है, सर एक बार इसे उठा के दिखा दीजिए। देखिए हम स्पीकर को होल्ड कर पाएंगे ईजीली एंड इसके जस्ट बगल में देखिए हमें मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है, यानी कि हम देखिए स्पीकर पर कुछ इस तरीके से मोबाइल को भी होल्ड कर पाएंगे। तो ये चीज़ बढ़िया है, हाँ यहाँ पे से ऑन हो जाएगा ये देखिए। तो क्या है कि आप ऑपरेट स्पीकर पे रख के ही कर पाएंगे अपने मोबाइल को। साथ में देखिए हमें लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिल जाता है, अभी दिखाएंगे आपको इसे डिटेल में। दोस्तों हम वायर्ड वाले माइक को भी कनेक्ट कर पाएंगे, देखिए माइक पोर्ट हमें मिल जाता है, ऑक्स पोर्ट भी हमें मिल जाता है, साथ में हमें USB पोर्ट एंड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है। दोस्तों हम एक और वायर्ड वाले माइक को भी कनेक्ट कर पाएंगे, साथ में हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच भी मिल जाता है। एंड देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें 2 नॉब्स मिल जाती है एंड कुछ बटन्स मिलते हैं। सो सबसे पहले इसे हम ऑन करते हैं, ये देखिए जैसे हमने ऑन करा देखिए यहाँ पर लाइट्स चलने लग गई है एंड ये देखिए 2 नॉब्स भी हमें मिलती है, इनके ऊपर भी लाइट जल रही है वाइट कलर की जो काफी बढ़िया लग रही है। सो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे से इस नॉब को देखते हैं कि इससे क्या होता है। देखिए इससे हम वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाएंगे एंड इस पर देखिए हमें 32 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है।
दोस्तों यहां पर से हम देखिए मोड को चेंज कर पाएंगे, अभी ये ऑक्स मोड में है। अब दोस्तों हमने इसे ब्लूटूथ मोड में रख लिया है। यह है दोस्तों इसका एफएम मोड, दोबारा से हमने इसे ऑक्स मोड में रख लिया है। साथ में देखिए टून का बटन भी हमें इस पर मिल जाता है, ये देखिए, यानी कि हम बेस एंड ट्रेबल को एडजस्ट कर पाएंगे। देखिए हम -10 से +10 तक ट्रेबल को एडजस्ट कर पाएंगे। साथ में दोस्तों हम बेस को भी -10 से +10 तक एडजस्ट कर पाएंगे। दोस्तों हमें इको का बटन भी मिल जाता है, इसे भी हम 16 तक के पॉइंट तक एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया दे रखा है इन्होंने। साथ में माइक की वॉल्यूम को भी हम यहाँ पे से एडजस्ट कर पाएंगे। सो माइक का जब हम टेस्ट करेंगे तो आपको इन चीज़ों को भी एडजस्ट करके दिखा देंगे। अब हम इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं एंड आपको लाइट इफेक्ट दिखाते हैं सामने की तरफ पे। ये देखिए गाइस, जैसे ही हमने इसे ऑन करा जो लाइट इफेक्ट है क्या कमाल का हमें देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा दूर से दिखाते हैं आपको, मल्टी कलर में लाइट्स जल रही हैं इस पे, जो कि काफी बढ़िया लग रही हैं। फ्लेम वाली ये देखिए, बट इसमें ये ड्रॉबैक है हम लाइट्स को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। एक ही पैटर्न पे जो जल रही है यही पैटर्न में हमें देखने को मिलेगी है। बट हाँ ये अच्छा दे रखा है इन्होंने, हम इसे ऑफ कर सकते हैं। अगर हमने बैटरी को बचाना है तो हम इसे ऑफ कर देंगे। देखिए लाइट ऑफ हो गई है, अगर हमें लाइट इफेक्ट चाहिए तो जस्ट इसे ऑन कर देंगे तो लाइट्स ऑन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब इसके हम फ्रंट साइड को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों सामने की तरफ से हमें इस पर 2 ड्राइवर्स मिल जाते हैं फुल रेंज के, जिनका साइज है 20.32 सेंटीमीटर का। एंड देखिए दोस्तों हमें बीच पे जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग भी मिल जाती है एंड हमें 2 ट्यूटर्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों इसका जो टोटल पावर आउटपुट है वो हमें 60 वॉट्स आरएमएस का देखने को मिलता है। एलईडी डिस्प्ले भी दोस्तों हमें मिला हुआ है। सो क्वालिटी वाइज दोस्तों काफी बढ़िया काम करा गया है। अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ JBL की तरह इन्होंने डिजाइन दे रखा है एंड यहाँ पर बेस के बारे में मेंशन करा हुआ हमें मिल जाता है। हार्ड ABS प्लास्टिक दे रखा है इन्होंने एंड सामने की तरफ से देखिए ग्रिल हमें मिल जाती है, ये भी दोस्तों काफी बढ़िया दे रखी है। अब इसके थोड़ा सा बैक साइड को भी डिटेल में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें हैंडल ही मिल जाता है एंड यहाँ पर हमारी पावर कॉर्ड कनेक्ट होगी, इसी पोर्ट हमें मिल जाता है। नीचे से दोस्तों यहाँ पर माइक होल्डर हमें मिलता है, यहाँ पे हम माइक को कनेक्ट कर पाएंगे। एक बार दिखा देते हैं हम आपको माइक को कनेक्ट करके कैसे आपने इसे इस पर होल्ड करना है। तो गाइज देखिए सिंपली आपने इस तरीके से होल्ड कर देना है यहाँ पे, तो ये चीज बहुत बढ़िया है। देखिए माइक फोन को आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, माइक को आप नीचे से होल्ड कर सकते हैं, मतलब कि स्पीकर पे ही सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। एंड साइज भी गाइज इसका बढ़िया है, मतलब इजी टू कैरी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। अब सर इसको हम मेजरमेंट करके दिखा देते हैं थोड़ा। सो सबसे पहले इसकी हम हाइट नाप लेते हैं। 1 foot 9 inches की दोस्तों इसकी हाइट हमें देखने को मिलती है। अब इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो हमें 10 इंच की देखने को मिलती है। अब इसका हम टॉप पैनल भी नाप लेते हैं। देखिए इसका जो टॉप पैनल है ये भी हमें 9 inches का देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम इसको फोन के साथ कनेक्ट करते हैं एंड आपको इसका साउंड टेस्ट करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने अपना फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है, प्लीज अब अपने हेडफोन्स का यूज करिए। तो दोस्तों यार हमने इसकी ऑडियो क्वालिटी काफी डिटेल में आपको टेस्ट करा दिया। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर हमें ऑडियो परफॉर्मेंस किस तरीके का मिलता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मैंने जितना एक्सपीरियंस करा ना इसे, इस मॉडल की जो ऑडियो क्वालिटी है वो हमें काफी बढ़िया मिलती है। मतलब कि दोस्तों इस मॉडल की भी जो क्लियरिटी है वो काफी बढ़िया है, फुल वॉल्यूम पर आप इस मॉडल को एंजॉय कर सकते हैं। डिस्टॉर्शन फ्री साउंड आपको मिलने वाला है, मतलब कि साउंड बिल्कुल क्रैक नहीं करता है। साथ में दोस्तों इस मॉडल पर हमें लाउडनेस भी काफी कमाल की मिल जाती है, यानी कि आप इस मॉडल को आउटडोर पे भी यूज कर पाएंगे, वहां पर भी आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। एंड अगर मैं बेस क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बेस क्वालिटी भी मुझे डिसेंट लगी है, मतलब नॉट गुड नॉट बैड, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा। क्योंकि यार ये इस पर प्लस पॉइंट है, इस पर हमें इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है एंड इसका परफॉर्मेंस भी दोस्तों काफी बढ़िया है।
अभी प्ले टाइम का हम आपको एग्जैक्ट पर नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसके लिए हमें इसे काफी लंबा टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि यार इस पर कितना बढ़िया बैटरी बैकअप हमें मिल रहा है। पर जितना अभी हमने यूज करा है बैटरी बैकअप भी इस पर हमें काफी बढ़िया मिल जाता है। सो ओवरऑल दोस्तों ये मॉडल मुझे बढ़िया लगा है, साउंड क्वालिटी वाइज भी, डिजाइन वाइज भी एंड फीचर्स वाइज भी आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। चले दोस्तों अब इसकी हम थोड़ी माइक क्वालिटी भी आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो देखिए इस पर हमें वायरलेस माइक मिल जाता है, सो इसका देखते हैं परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिलता है। हेलो 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 हेलो, देखिए गाइस यार माइक की क्वालिटी भी काफी बढ़िया मिल जाती है। सबसे पहले हम इसको कप कर देते हैं। अब देखिए हमने इको जो है वो पूरा बंद कर दिया है एंड क्वालिटी वाइज दोस्तों ये काफी बढ़िया है। देखिए फ्रीक्वेंसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सही है, मतलब सिंगिंग आप कर पाएंगे। तो दोस्तों यार हमने आपको पूरी अनबॉक्सिंग डिटेल में दिखाई, स्पीकर को भी डिटेल में दिखाया, ऑडियो क्वालिटी भी टेस्ट करा दी है एंड हमने अपने लाइव एक्सपीरियंस भी टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि यार आपको ये मॉडल कितने का पड़ेगा। दोस्तों वैसे तो इसकी MRP बहुत ज्यादा है बट यार आपको ये मॉडल केवल 8,500 रुपीज में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये मॉडल परचेस करना है तो आप इस मॉडल को गुप्ता रेडियो से परचेस कर सकते हैं केवल 8,500 में। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों गुप्ता रेडियो का फोन नंबर एंड एड्रेस मेंशन कर दूंगा, अगर आपको परचेस करना होगा तो जरूर से आप परचेस कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों यार हमें एक फैसिलिटी गुप्ता रेडियो की तरफ से और बढ़िया देखने को मिल गई है, वहां पर दोस्तों अब वेबसाइट लॉन्च हो गई है, यानी कि गुप्ता रेडियोस की आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी देखने को मिल रही है। सो ये मॉडल जो है दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, सो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं ओनली 8,500 रुपीज में। सो मेरे हिसाब से दोस्तों यार काफी बढ़िया फैसिलिटी हमें मिल रही है एंड दोस्तों आप इस मॉडल को भी COD पे परचेज कर सकते हैं। आपको 500 या 1000 रुपीस एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी की पेमेंट आपको तब करनी पड़ेगी जब आपको ये प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। सो यार 8,500 में ये मॉडल काफी बेस्ट है, अगर आपको एक अच्छा पोर्टेबल पार्टी स्पीकर परचेस करना है तो आप इस मॉडल पर जा सकते हैं, सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे। अगर आप सिंगिंग करते हैं तो तभी भी आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों आप जरूर से परचेस कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।